गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग फोर्थ चैप्टर ऑफ रीडर साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम टू द टेक्स्ट। यू हैव बिकम द फादर ऑफ अ बॉय, सेड द मिडवाइफ टू मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। यानी आप एक बेटे के पिता बन गए हो, ये बाहर जो गेट के बाहर एक मैन खड़ा था उसे मिडवाइफ यानी एक नर्स ने ऐसा कहा। ए पी जे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ए पी जे अब्दुल कलाम का जन्म एक छोटे से गांव में रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था। व्हेन द न्यू बॉर्न वाज बी नेम्ड, जब उस बच्चे का छोटे बच्चे का नाम रखा जाने लगा यानी उसका नाम रख रहे थे, ही रिसीव द नेम ऑफ हिज फादर जैनुलाब्दीन, तो उसको अपने पिता का नाम रिसीव यानी पहले उनके यहाँ पर पहले फादर का नाम रखा जाता था, तब उसके बच्चे का नाम उसके आगे ऐड किया जाता था। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और अथवा शॉर्ट में उसका क्या नाम हो गया, ए पी जे अब्दुल कलाम। ए पी जे उनके फादर का नाम था और अब्दुल कलाम उनका नाम। लर्न्ड टू गिव इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम हिज फादर, उनको जो मानव की जो वैल्यूज थी, ह्यूमन वैल्यूज थी, वो अपने पापा से सीखने को मिली, फादर से। हिज मदर आसियामा वाज अ सिंपल एंड पियस लेडी, यानी एक रिलीजियस लेडी थी उनकी मदर। फ्रॉम हिज मदर ही लर्न टू बी गुड नेचर्ड एंड सिंपल, अपनी माँ से उन्होंने अच्छा व्यवहार करना, नेचर उनका अच्छा था, सिंपल थिंकिंग थी, वो किससे सीखा, अपनी मदर से। कलाम वाज अ फ्यू ईयर ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड लाइकिंग द प्रीस्ट हु ऑफन विजिटेड देयर होम। जो कलाम थे बचपन में, उनके यहाँ पर एक प्रीस्ट आते थे, पुजारी जो घर पर उनके आते रहते थे, तो उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा यानी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो क्या बोलते थे, अप्पा शास्त्री अंकल हैज कम, शास्त्री अंकल आए हैं। ही सैड एवरी टाइम द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल केम ओवर, यानी हर टाइम उनके घर पर ये रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट आते रहते थे। कलाम स्टिल अ यंग बॉय, जब एक छोटे बच्चे थे, वो सेट बाय द साइड ऑफ हिज फादर, एंड लर्नड मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम दीज मीटिंग्स। तो उन्होंने अपने पापा से, जब वो प्रीस्ट के पास बैठते थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें अपने वहाँ पर बैठने के साथ साथ बहुत सारी बातें, जब शास्त्री जी यानी जो प्रीस्ट थे और उनके फादर जब बातें करते थे, तो वो भी कलाम भी उनके साइड में बैठ जाते थे और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते रहते थे। हिज पेरेंट्स वर रिलीजियस माइंडेड बट दे हैड अ ब्रॉड आउटलुक, रिलीजियस माइंड के थे यानी अपने धर्म को, रिलीजन को मानते थे, लेकिन ब्रॉड आउटलुक यानी सारे रिलीजन को भी मानते थे। अम्मी आई एम गोइंग टू द शिवा टेम्पल इन द मॉर्निंग टुडे, वो अपनी मदर से क्या कहते हैं कि मैं आज शिव जी के टेम्पल, शिवा टेम्पल जाऊंगा। व्हेन आई रिटर्न, और वापस आकर वहां से, आई विल गो टू ऑफर नमाज विद फादर एट द मॉस्क्यू, और वापस आके फादर के साथ जाऊंगा, नमाज मॉस्क्यू जाऊंगा यानी मस्जिद में जाऊंगा नमाज अदा करने। हिज मदर ऑलवेज ग्रांटेड हिम पर, और उसकी माँ उसे हमेशा परमिशन देती थी, ये नहीं था कि आप टेम्पल जाओगे तो नहीं जाओगे, मॉस्क्यू ही जाना पड़ेगा, यानी सारे रिलीजन को मानती थी वो। नेक्स्ट, अब्दुल कॉल योर पापा, फूड इज़ रेडी, हिज अम्मी यूज टू से एवरी इवनिंग, हर इवनिंग उसकी मदर क्या कहती थी अब्दुल से, अपने फादर को बुलाओ और क्या रेडी है, फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है खाना खाने के लिए। डेली दे सेट टुगेदर ऑन द किचन फ्लोर एंड एट द फूड स्प्रेड ऑन द बनाना लीफ, वो हमेशा किचन में बैठ कर बनाना, केले के पत्ते पर खाना रख के सब लोग एक साथ किचन में बैठ कर खाते थे। क्या खाते थे, राइस सांभर होममेड पिकल एंड कोकोनट चटनी, ये उनकी फेवरेट थी। वॉज द फीस्ट दैट ए पी जे अब्दुल कलाम लर्न टू लव टू ईट, ये सब चीज़ें उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद था अब्दुल कलाम को। इन अब्दुल कलाम चाइल्डहुड, उनके बचपन में, हिज कज़िन शमसुद्दीन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, तो उसके कज़िन का उसके ऊपर यानी ए पी जे अब्दुल कलाम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ही वॉज
और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज़पेपर। उसका जो कजिन था वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बांटता था, इधर उधर घरों में न्यूज़पेपर डालने का काम करता था एट रामेश्वरम। रामेश्वरम में दिनामानी और तमिल न्यूज़पेपर, वहाँ का एक तमिल न्यूज़पेपर था, उसे वो सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, उसका कजिन, जो कि बहुत ज़्यादा उससे क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, उसका असर अब्दुल कलाम के ऊपर पड़ता था कि वो उसका कजिन जो है कितना हार्ड वर्क कर रहा है। ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।